भाई अपने कानों में ईयरफोन लगा लियो, उसमें दो चार गाली भी दे रखी है, देख का करियो काम। लंबा तार बुढ़ापे में क्यों मेरा हाड़ गुड़वा रखे तुमने? हाँ तू सही है तो बाजा भाई हेलो कैसे हो भाई मेरे भाई? उम्मीद है भाई सब बढ़िया हो गए। तो भाई घाटा प्लान लग रहे भाई नए व्लॉग की, भाई कुछ अब का व्लॉग में हटका है। व्लॉग भाई कुछ अब का इस प्रकार है भाई, मैं भैंस ला मेरे बब्बा जी को कहूँगा, बब्बा जी भैंस लाया ना अभी पैसों के अपने। तो भाई थोड़ी देर में जब बब्बा जी आ गए, ठीक है चल भैंस लाया बढ़िया बात है भैंस ला सा। तो भाई उसके बाद शंकर आऊगा, तेरा पोता कहाँ है? ने पूछा क्यों क्या बात होगी? कहा गया बात तेरा पोता रात मेरी भैंस खोल कर लिया है। अब अगर देखो भाई अगर क्या होगा, बब्बा जी के अलावा चल रहे भैंस लेकर, देखोगे क्या होगा वो देखे ठीक हो रहा है भाई। देखे भाई या भाई फेयर एंड लवली का कमाल, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपने भाई भैंस का जुगाड़ तो कर लिया भाई, पड़ोसे की भैंस खोल कर आई भाई, कह रहे भाग गया क्या भाई देखनी पड़ेगी। तो भाई भैंस खोल ली, बब्बा जी कमाऊंगा भैंस लाया। अब देखिए भाई अगर क्या होगा, बब्बा जी को लागे भाई जाकर। बब्बा जी आज अकबर बुलावा घर बुला रहे। अरे घर क्या कहे, मुझे मुझे क्या पता बुला रहे, आ जाओ ठीक है जब तू ले आ। घास कौन करेगा इसका? घास तो करेगा। हाँ मेरे को लग रहा घास है, मैं लंबा में घास भी वही करूँगा, दूध तम पियोगे क्या करूँ? और इसका मुझे लाया 5000 रुपये गया, इसका क्या करूँ बीजा? दिया था अभी को वो का लेने लग रहा है, आप जा और तो दे दे किसी को, बिकवा दो पर इसे बिकवा दो बिक जाएगी सौ को बाद बोलता है। लो अरे तो कैसी आने तो देख लो ठीक भी है, ठीक है सब जो कुछ है देखे दूध दाद देवा गया हमारा ढंग ठीक था नहीं इसका दूध देने का। ये लात लूट रहा है देखती होगी हाँ मुझे थोड़ा ही गना देखती होगी। दो घड़ी बात भी कर लेगा मैं, था क्या बात करूँ था मैं, तुम बात करने जो क्या होगी। उसको किक्का करना भैंस का, घास पानी कर ले करोगे क्या तुम? अरे मेरे पानी होता चौदह किसी का भी, मेरे पास ये सिका नहीं होता, अपने आप ही लगता हूँ कटो आख का। और कौन करा घास पानी इसका? कोई नहीं करता सब्जी को, मेरे पास का नहीं, मेरे पन्ना बंद हो लेना किसी का। ओ बैठते मिलते जी आ जी अंगा हो जी बा यहाँ आ जी पिच्चा 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 कौन आयो कौन है ये रोगन का आ जी क्या करे मैं कौन है रोगन सा कौन है तो लंबरदार? यो जो यो है लौंडा थारा किसका राकेश का यो यो चंदा ने तो रात भैंस खोल लाओ मेरी चंदा था चंदा ने था चंदा ने था हाँ अच्छा ऐसा है या तो मेरी भैंस दुआ दो यानी मैं रपट करूंगा थारी भी करूंगा फिर गेल में हाँ जा कर दे चल हाँ होगी कर दे। अरे बेटे मैंने करा कोई फायदा नहीं है जा कर दे चल खजा हो उठ जा रप कर रपट कर दिया मैंने कहा 420 से केस होता भीतर जाओगे सारे के सारे हाँ चले जाओ भीतर बहुत सीट गए फिर जबान से समझ में सारा मुंह पे ही चंदा बकाया तो ऐसा है थोड़ी इज्जत करूंगा थारी ठीक है इन्हें जो थारे लमडे ने जो है ना काम कराया गलत करा बहुत सही करा मत हमें पैसे दिला और पैसे मिलते नहीं मेरे 56000 रुपए मिलते नहीं पैसे जाता नहीं और भैंस भी लेगा तम्मा फड़ी जा जगत हाँ ले जम्बा जा पैसे भी दत्तर जा खुलवा भैंस दिखा मेरी भैंस का नानी आ भैंस मुंह से भैंस बता बेटे मुझे चल 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 लंबा हो चल कितना मूल खा रहा ठीक है सब ऐसा है भैंस तो लेके जा मजे कंपनी में कुर्सी बैठ जाओ ही बैठ पैसे देता जा ही भैंस देता जा पैसे दत्त इसका पैसे मैंने ब्याज दे रखा पैसों का अरे मूल कौन देगा इतना तो ब्याज भरता मैंने इसका पैसों का तो कौन भरेगा इन्हें 56000 रुपये रख के ना पैसे नहीं देता मैं अरे मेरी भैंस तो चल यानी मत पंचायत जोड़ूंगा ही हाँ चल जोड़ ले चल जो हो तेरा कर ले चल अरे लंबरदार बात तो सुन मेरी लंबा हो मेरी सुनो इसके पैसे दे जा अपनी भैंस ले जा पैसे नहीं मैं भैंस लेकर था मैंने यही रोटी खा मैं यही पड़ा रहा मैं लबड़ा खा रहा है
सरप्राइज है भाई, ब्लॉग में टिक रही हो भाई। आजकल की जनरेशन के लिए भाई बहुत ही जरूरी है चीज, टिक रही हो भाई, दिखाओगे क्या चीज है जो आजकल की जनरेशन है भाई, खास करके उनके लिए। भाई मैंने बताया था भाई, आजकल के जनरेशन के लिए भाई क्या सरप्राइज है भाई। हम उस जगह पहुंच गए तो भाई सरप्राइज जो है भाई, जो 12वीं के बाद भाई कंफ्यूज हो जा क्या करना क्या नहीं करना, उन्हें कोई सही सलाह देने वाला मिलता नहीं। हाल तो सलाह मिल जा कोई भी देता का सलाह, लेकिन सही सलाह इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी ले रहा आर्यवास एजुकेशन। तो भाई 11 फरवरी को आर्यवास एजुकेशन बहुत बड़ा एजुकेशन फेयर शुरू करेंगे, उसके बारे में आपको सर बताएंगे। तो शंकर जी, अगले महीने आने वाले 11 तारीख को, 11 फरवरी को आर्यवास एजुकेशन मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा और सबसे पहला एजुकेशन फेयर स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें कि पूरे इंडिया से लगभग 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो सर जी, जो आपने सिस्टम बताया कहाँ से होगा ये जो एजुकेशन फेयर है? ये होटल प्लाजा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा और 5-स्टार होटल में इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खाने पीने का भी होगा जी? फिर आपके लिए पूरी व्यवस्था है, स्टूडेंट्स के लिए पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि पूरा एक यूनिवर्सिटी का महाकुंभ हम लेके आए, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी जाएंगी तो बच्चे के जो अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के अंदर, वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली उनसे कि आपका क्या स्कॉलरशिप है, कितने स्कॉलरशिप को मिल सकते हैं। तो ऐसे में वो डायरेक्टली बात करेंगे, बात करने के बाद उनके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, राइट। तो भाई कहने का मतलब है, जितनी भी तुम्हें सलाह चाहिए या थोड़ा कोई डाउट हो तो आपको सारे क्लियर होगा, वो भी फ्री में। किस क्लास के बच्चों के लिए है जी? देखिए, ये जो बच्चे इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है स्पेशली, प्लस जो 12th पास आउट है और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ जी, तो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका क्या फायदा है इसमें? देखिए शंकर जी, आप ही बताइए, बच्चे इन 50 यूनिवर्सिटी को हम लोग लेके आ रहे हैं, अगर इनको जाना पड़े वहाँ पे उनका टाइम भी जाएगा, उनका पैसा भी लगेगा और पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब यूनिवर्सिटी में घूम के आ सके। तो हम क्या करें, उनका टाइम भी बचा रहे, पैसे बचा रहे और सब यूनिवर्सिटी को एक जगह लेके आ रहे हैं। तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दे रखा और भाई मोबाइल नंबर भी दे रखा, भाई जाकर टेंशन फ्री होकर भाई कॉल करो भाई, जाकर जो तुम्हें जानकारी ले ली भाई लियो, फ्री जानकारी या कोई दिक्कत ले बेफिक्र होकर फोन कर लो भाई। क्या पूछ रहे, क्या चल रहा है? जुत्ती मारना, दफा करना से धक्का देगा अंदर। बात करियो सर, थोड़ा डेट से करके बात करता हूँ, फोन मिला दूँ मैं पापा जी, पकड़ कुछ बात होगी। मस्त बात करो तुम, 5-4 गाड़ दे दो ये भागा मिला है अपनी भैंस ले जा। अरे पहले भैंस जागी, पैसे बाद में दम बस के मैं। अच्छा पहले पैसे होंगे जी, वो जागी भैंस। भाई मेरी भैंस दिखा चल तू, अन्नी मैं जाता यही यही जमा फिर मैं। हाँ मैं तो आगे करते, मैं जब तो काट दे मुझे भैंस। मारे घर आइयो तुम, चल तू बेटा एक दूती तेरे पास शर्म ले आ जा लंबरदार की लठी लाइट है किसके डब्बे धरा ला मार ला लंबा करो। अच्छा लंबरदार तुम मारे घर आइयो और तुम्हें चाय पानी पिया, हम चाय पानी पीते नहीं पर मेरी भैंस बात उस पता है, बात खत्म और बस खत्म। इसके रुपए दे जा और भैंस ले जा, ब्याज भरा काम है इसके पैसों का, ब्याज भरा क्या इसका बाप तो निपटुआ पैसों का, बारे में इससे निपटुआ कौन आयो? ऐसा है किसी कल का सिकल जाएगी कैसी भी हो जाएगी जैसे भैंस है उसकी सिकल बेटे रंग पड़ना चाहूंगा जब भी करा है बेट। ये रंग तेरे भी काला हो जाएगा, ये तो भगवान की देन है, मेरे सारे खानदान में से है, मेरी गलती कैसे कुछ बांक। अरे ऐसा है मेरी बहन देता मैं पैसे दे रखे 56,000 रुपए, 2,00,000 की भैंस खोल ला मेरी, 4,00,000 की तो ले जा अपनी को, चल 2,00,000 की भैंस खोल रखी ना, भैंस ले जा। अरे तू एक काम करना, मेरा 1,50,000 रुपए देता सारी भैंस, कितने की 2,00,000 की भैंस है वो, 6,00,000 की भी तो अपने भी ले जी। अरे मेरी 2 किलो दूध दे, 2,00,000 की भैंस है मेरी, बोला तो सब जगह दूध ले ले वो ले, पैसे ले और भैंस ले जा अपने, पैसा नहीं तय करो भाई, बात खत्म, बात है पानी गैर बात पे, मेरी भैंस खुलवा चल पे चल। अरे मैंने बोल तो भाग मुझे मैं लोग पैसे तो आने मेरे ना, पैसे देगा लंबा था बुढ़ापा क्यों मेरे हाड़ गुड़ वाले खत्म ना। हां तो तुम्हें तो
चला वैसे जब तक मेरे पास बाजा भाई कदी कुछ कदी कुछ यही खड़े रह गए इसके रोज रोज के लाने इसके है? रोज की रोज लाने अरे हाँ तो हम बताते नहीं क्या टाइम हो गया भाई 12 बज गए